एक्चुअली मेरे घर में बिजली नहीं आ रही है, लगता है कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है। आपके पास इलेक्ट्रिशियन का नंबर है तो प्लीज दे दीजिए ना। हाँ नंबर तो है, लेकिन अभी कोई आएगा नहीं, कल ही आएगा। क्यों? बहुत रात हो गई है ना। अच्छा तो अब मैं क्या करूँ? हमारे घर में बिजली है तो मुझे लग रहा है आपके घर में कुछ छोटा मोटा फॉल्टी होगा। वो तो मेरा बेटा पीयूष देख लेगा, है ना बेटा? हाँ हाँ, मेरा भाई ना घर का प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन सब है, ले जाइए आप इसे। जा हाँ हाँ चलिए। अच्छा मेन स्विच कहाँ पर है? वो तो मुझे भी नहीं पता है, एक्चुअली मैं यहाँ नहीं हूँ तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है यहाँ का। कोई बात नहीं, मैं ढूंढ लेता हूँ। ले अरे ये रहा, मिल गया। मुझे चेयर लगा देंगे? हाँ। ये ठीक। छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा। अरे बाप, थैंक यू सो मच। पता है मुझे कितनी टेंशन हो गई थी। हाँ अच्छा अब तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं चलिए, मुझे पढ़ाई करनी है, लेट हो रहा है, तो फिर कभी पक्का। ओके वैसे घर बहुत अच्छा है। थैंक यू, चलता हूँ, बाय। सॉरी वो आपका फोन। जुई दरवाजा खोल जाके। तू देख रहा है ना मैं बहुत बिजी हूँ, जाके तू खोल। माँ को बताऊँ किस काम में बिजी है तू? ठीक है जा रही हो। अरे आप आइए ना। कौन आया अंजनी? माँ अंजनी जी है। आइए आइए। नमस्ते विमला जी। नमस्ते। एक्चुअली कल आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए सेवैयां बना के ले आऊं। आप लोगों को सेवैयां पसंद तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इन दोनों को तो बहुत पसंद है। आप दोनों टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। बिल्कुल लो भाई, चखिए। ओ कैसी बनी है? अरे वाह अंजलि जी, आपकी बातों के साथ साथ ना आपकी सिवाई भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा अंजलि, तुम यहाँ अकेली आई हो, फैमिली साथ में नहीं आई? जी यहाँ मैं अकेली ही आई। एक्चुअली आई एम अ टीचर, अब मीरठ के कॉलेज में मुझे बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला है और अगले महीने से उसकी ज्वाइनिंग है। फैमिली मेरी लखनऊ में रहती है और मैंने सोचा कि एक बार शिफ्ट हो जाओ फिर फैमिली को बुला लूँगी। वैसे आप क्या पढ़ाते हैं? अकाउंट्स। अरे वाह माँ, हमें तो फ्री में टीचर मिल गई। आपको पता है मेरा भाई ना अकाउंट्स में जीरो है, जीरो। चुप कर, कुछ भी बोलती है। एक्चुअली मेरा बेटा है ना पीयूष, वो थोड़ा अकाउंट में वीक है, इसलिए ये उसको चिढ़ाती रहती है। अब आप आ गई हो तो उसकी एक पढ़ाई में हेल्प कर ही दोगी, है ना? क्यों नहीं, एक अच्छा पड़ोसी हर सुख दुख में काम आता है। पीयूष अगर तुम्हें अकाउंट से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम कभी भी आ सकते हो। जी थैंक यू सो मच, मैं आ जाऊंगा। अरे तुम खड़ी क्यों हो, बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं विमला जी आज नहीं, एक्चुअली मुझे आज कॉलेज के काम से बाहर जाना है, लेकिन इस बार नहीं नेक्स्ट टाइम पक्का।
मैं चलती हूँ, बाय बाय, थैंक यू। माँ सिवई ना बहुत टेस्टी बनी और ये भी मैं खा रहा, ठीक है? अरे तो आओ, क्या हुआ? वो मुझे अकाउंट्स में कुछ इश्यू आ रहे थे तो मुझे लगा आपसे चल के पूछना चाहिए। बहुत अच्छा किया तुमने, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, चाय में जस्ट पी के आया अभी। ठीक है, बैठो। शर्माते बहुत हो, लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड? नहीं, वो पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो वैसे आपको कैसे पता चला? एक्सपीरियंस पीयूष जी, एक्सपीरियंस। तो शुरू करें जी? क्या? मैं स्टडी की बात कर रही हूँ। हाँ, जो डेबिट एंड क्रेडिट का क्वेश्चन कर रहा था ना, तो बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा था, तो आप प्लीज चेक कर लेंगे। यहाँ ये एंट्री गलत है। क्या हुआ, डर लग रहा है? लगता है आज तक तुम कभी किसी लड़की के करीब नहीं आए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है, बोलो। जी वो मुझे ना अचानक से एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बाद में आता हूँ। लेकिन स्टडी तो कंप्लीट नहीं हुई। हाँ, मैं कल कर लूंगा, बहुत जरूरी काम है, मैं आता हूँ। अरे थैंक यू, बाय। अंजलि जी, अंजलि जी। अंतो, यहाँ? हाँ, वो नीचे आवाज दे रहा था, अब सुनी नहीं। अरे वो, हाँ, मेरे कानों में हेडफोन थे, बताओ तुम। वो ट्यूशन्स के लिए कुछ इक्वेशन थे सॉल्व करना था। ओ हाँ, आओ बैठ। देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। कल तुम्हें समझाया तो तुम्हें समझ में नहीं आया, आज मैं तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी।
इससे तुम्हारी सारी डर निकल जाएगी।